नमस्कार स्टूडेंट पिछले लेक्चर से हमने स्टार्ट किया हुआ है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में और उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमने डिस्कस किया था डायमंड स्ट्रक्चर की डिटेल जेड एन एस स्ट्रक्चर की डिटेल एंड समरी ऑफ सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड Hexagonal closed pack diamond and ZNSK. Now, in between, one more topic are in your syllabus named Miller indices. This is very simple, simplest, and very simple step to find out Miller indices. Today, we are discussing. मिलर इंडीसीज बेसिकली जो मिलर इंडीसीज होते हैं एक्चुअल में इंडिसज का मतलब सीधे सीधे अर्थों में अगर आप समझे वो क्या होंगे इंडिकेटर जो इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ को मिलर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट टाइम और अब हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस किसका कर रहे हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हम डिस्कस कर रहे हैं अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो इंडिकेट होते हैं वो क्या हो सकते हैं जैसे मान लो अगर हम ये क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ले लें दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टल अगर यहाँ पर कोई भी अगर हम पॉइंट मेंशन करते हैं शायद दैट पॉइंट इज वन जीरो जीरो इस फॉर्मेशन से ये होगा इस पॉइंट का पोजीशन क्या बोलेंगे हम पोजीशन ठीक है सिंपल अगर हम लेटिस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था दीज आर द लेटेस्ट पॉइंट एंड दीज आर द ट्रांसलेशन वैक्टर फॉर्मेशन से हमने डिस्कस किया था एंड अलोंग एक्स वाई जेड द वैक्टर आर ए बी एंड सी इनकेस इन नोमरिक फॉर्मेशन से दैट इज वन टू थ्री जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी क्रिस्टल के इनसाइड में उनको कुछ एक सिंपलेस्ट स्टेप से एंडिस बनाना उनकी डायरेक्शन बताना या उनकी प्लेन बताना दैट इज द मिलर इंडिस जिसका आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नाउ मिलर एंडिस मिलर एंडिस ग्रुप ऑफ समॉलेस्ट इंटीजर क्या है ये ग्रुप है किसका समॉलेस्ट इंटीजर विच रिप्रेजेंट ए डायरेक्शन और ए प्लेन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं या तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे या प्लेन को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे देन व्हाट प्रोसेस वी फॉलो टू फाइंड आउट द मिलर इंडिस और मिलर इंडिस ऑफ ए प्लेन तो हम कौन से ऐसे स्टेप को फॉलो करें कि जिससे हमारे पास क्या हो प्लेन उस पर्टिकुलर क्रिस्टल में से निकल के आए या जनरेट हो या हम उसको बता सके या उस प्लेन के बारे में हम डिस्कस कर सके तो आपने तीन सिंपलेस्ट स्टेप हैं थ्री सिंपल स्टेप हैं यहां पर जो आपने फॉलो करनी है फर्स्ट वन इज डिटरमाइन द इंटरसेप्ट जिसका हम पहले से डिस्कस करके आए थे ट्रांसलेशन वेक्टर के बाद उस सबसे पहला स्टेप है आपने इंटरसेप्ट को क्या करना है डिटरमाइन करना है ओफ ए प्लेन प्लेन के लिए अलोंग ईच ऑफ द थ्री क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस यहां पर यह नहीं है कि आपने एक एक्सिस के फाइंड आउट करने इंटरसेप्ट दो के करने आपने थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में लेके चलना है तो आपने तीनों के तीनों को फाइंड आउट करना है नाउ टेक द रेसिप्रोकल प्रोकल अगला स्टेप आपने क्या करना पहले आपने डिटरमाइन करना है नाउ उसके बाद आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है नेक्स्ट फ्रैक्शन रिजल्ट रिजल्ट आपका फ्रैक्शन फॉर्मेशन में हो सेम मान लो आपका रिजल्ट में आया वन बाई टू वन एंड वन बाई थ्री कैसा आया आपके पास रिजल्ट से वन बाई टू वन और वन बाई थ्री तो आपने क्या करना है सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है एलसीएम कितना आ जाएगा सिक्स तो यहाँ कितना आ जाएगा थ्री यहाँ कितना आ जाएगा सिक्स यहाँ कितना आ जाएगा टू मतलब थ्री सिक्स टू सीधा सीधा वे हमारा कहने का क्या है यहाँ पर कि आपने फ्रैक्शनर में नहीं लिखना है ठीक है आपने क्या करना उनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपने वैल्यू चूज़ करनी है जैसे यहाँ पे इस स्टेप के लिए हमारे पास वैल्यूज कितने हैं थ्री सिक्स टू ठीक है उसके बाद ये जो वैल्यूज़ आई हैं थ्री सिक्स टू इन वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है स्मॉल ब्रैकेट में विदाउट कोमाज लिखना है ये जो थ्री सिक्स टू स्मॉल ब्रैकेट के इनसाइड में विदाउट कोमा दिस वैल्यू इज द मिलर इनडिस ठीक है ये जो हमने इंटरसेप्ट लिया था उस इंटरसेप्ट से हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आई है थ्री सिक्स टू विदाउट स्मॉल ब्रैकेट में लिखनी है तो आपको क्या मिलेगा मिलर इंडीसीज मिलेगा टू फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन इन द क्रिस्टल ओरिएंटेशन भी आपने निकालनी हो प्लेन भी निकालनी हो तो सबके लिए हम क्या कर सकते हैं मिलर इंडीसीज का यूज कर सकते हैं ठीक है जो हमने थ्री सिक्स टू लिया है यह आपका सिंगल एग्जाम्पल के लिए है सपोज करो कि बहुत सारे एग्जाम्पल है तो हम उसकी जर्नल फॉर्मेशन कैसे लिखें ये जो होता है इसको हम एच लिखते हैं मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो भी मिलर इंडीसीज हमें मिलेगा वो एच होगा वाई एक्सिस के साथ जो होगा वो के होगा जेड एक्सिस के साथ जो होगा एल होगा मतलब जर्नल के लिए हम क्या लिखेंगे एच के एल विदाउट कोमा दिस इज द जर्नल फॉर्मेशन ऑफ मिलर इन स्मॉल ब्रैकेट में आपने विदाउट कोमा ये लिखना ये स्पेशली आपने रिमेंबर रखना इन केस भी इनके इनसाइड में अगर आपने कॉमा इंट्रोड्यूस कर दिया तो दैट इज नॉट मिलर इंडिस दैट इज पोजिशन कोऑर्डिनेट लाइक दिस टू दिस इज मिलर इंडिस एंड दिस वन इज पोजिशन कोऑर्डिनेट नुमेरिक वैल्यू आर सेम द मेन डिफरेंस आर ऑफ कोमाज ये आपने यहाँ पर रिमेंबर रखना है नाउ प्लेन को आप आपने आइडेंटिफाई करना हो कि आपके पास प्लेन क्या है तो उस कंडीशन में आपने जो हमारा हमने निकाला है एच के एल उसको आपने कैपिटल ब्रैकेट में जो जिसको हम बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं उस ब्रैकेट में आपने लिखना है वो भी आपने विदाउट कॉमा लिखना तो हम क्या बोलेंगे इसको डायरेक्शन एंडी ठीक है कोई भी प्लेन की डायरेक्शन को आपने स्पेसिफाई करना करो कि मान लो कहीं पे प्लेन की डायरेक्शन आपने वन वन लिख दिया वन जीरो जीरो लिख दिया वो. वन जीरो वन लिखा है अगर वो आपने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा तो मिलर इंडीसीज कॉमा लगाया तो आपका प्लेन इंडीसीज विदाउट कॉमा स्क्र ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट में अगर आपने लिखा तो क्या बनेगा वो डायरेक्शन इंडीसीज नाउ इनकेस आपने करली ब्रैकेट में उसको लिखा है तो क्या बनेगा दैट इज द फैमिली ऑफ प्लेन अब फैमिली ऑफ प्लेन को आप कैसे डिसाइड करेंगे सपोज करो कि एक प्लेन आपके पास क्या है वन जीरो जीरो आपके पास मिलर इंडिशीज की प्लेन है वन जीरो जीरो अब इसकी फैमिली कौन सी हो सकती है मतलब यहां पर जो वन है ये कौन सी डायरेक्शन के लिए है एक्स के लिए यहां पे जो जीरो है ये कौन सी डायरेक्शन के लिए वाई के लिए और ये जीरो जेड के लिए नेक्स्ट केस में क्या हो नेक्स्ट केस में जीरो वन जीरो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब फैमिली ऑफ प्लेन अगर आपने बताना है तो जैसे आपने पहले लिखा वन जीरो जीरो मतलब एक में तो वैल्यू है दो में वैल्यू नहीं है नहीं है मतलब दो की वैल्यू क्या है जीरो है तो वैसी सेम सिचुएशन लिखनी बट आपने एक्सिस को चेंज कर देना है तो यहाँ पे एक्सिस हमने चेंज की तो एक्सिस चेंज करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है वाई एक्सिस के लिए वन वैल्यू है दो दूसरों के लिए वैल्यू क्या है आपके पास जीरो और जीरो है इसका मतलब जो मिलर एंडिस वो सेम है बट आपके पास एक्सिस की जो वैल्यू है वो आपके पास चेंज हुई है तो ये क्या होंगे एक दूसरे के लगभग सेम 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 होंगे यहां पर तो आपने क्या बोलना उनको दीज द फ़ैमिली ओ प्लेन फैमिली प्लेन ठीक है तो ये जैसे यहाँ यहां पर लिखा वन जीरो 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 वन जीरो एंड हेर इज जीरो जीरो वन जिरो, ठीक है नाउ फैमिली ऑफ डायरेक्शन फैमिली ऑफ डायरेक्शन करने के लिए जनरली आपने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू में भी आपने एसेंबल देखा होगा या फिर कैट और बरा ऑपरेटर्स जो जो होते हैं उनमें भी आपने पढ़े होंगे ये ठीक है जिसको हम इस फॉर्मेशन से मेंशन करते थे जनरली एक्सपेक्टेशन वैल्यू में भी हम लिखते थे या फिर मैथमेटिक्स में आपने जो आइगन वैल्यू या फिर क्वांटम फिजिक्स में भी आपने स्टडी किया जिसमें हम आइगन वैल्यू निकालते थे वहाँ पर भी ये हम जो सैम्बल है यूज करते थे ठीक है या यूँ कह लीजिए इसको वैसे आपने अर्ली क्लासेस के हिसाब से अगर आप देखें तो एक क्या है आपके पास छोटे का निशान है एक आपके पास यहाँ पर बड़े का निशान है जहाँ पे हम लिखते हैं टेन ग्रेटर दैन फाइव इस फॉर्मेशन से लिखते हैं तो ये वो वाले सैम्बल आपने रिमेंबर यहाँ पर रखने इनके साथ में फैमिली ऑफ डायरेक्शन इन लिखना है तो ठीक है नाउ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो मैंने अभी आपको समझाई थी तो यहाँ पर क्या है एच के एल को आपने स्केच करना है तो जो ए बी सी दिज आर लेटिस पैरामीटर लेटिस पैरामीटर का मतलब होगा ये है आपके पास कोई भी लेटिस ओके दिस इज द लेटिस से दिस इज द ओरिजन नाउ दिस इज से वाई एक्सिस दिस इज से एक्स एक्सिस एंड दिस इज से जेड एक्सिस ठीक है तो x एक्सिस के लिए ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम a लेके चलते y एक्सिस के लिए इस डिस्टेंस को हम b लेके चलते और z एक्सिस के लिए इस डिस्टेंस को हम c लेके चलते हैं ठीक है तो लेटेस्ट सबसे पहले आपने लेटेस्ट पैरामीटर लिख रहा है नाउ उसके बाद x एक्सिस का इंटरसेप्ट y एक्सिस का इंटरसेप्ट z एक्सिस का इंटरसेप्ट आपने लेके चलना समटाइम ट्रांसलेशन वेक्टर के टर्म में आप आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या लिखा था एन वन एन टू बी एन थ्री सी तो आप क्या लिख देंगे उस हिसाब से लिखेंगे तो ए बाई एन वन बी बाई एन टू सी बाई एन थ्री ठीक है यहाँ पर क्या है आपके पास इंटरसेप्ट एक्सिस के लौंग ओ ए ओ बी एंड ओ सी ठीक है तो आपने क्या कर हैं जो भी इनकी वैल्यूज हो चाहे कोई कुछ भी वैल्यू है इनकी ठीक है सेम मान लो ए सी की वैल्यू क्या हो वन टू थ्री हो और ओ ए ओ बी इसमें आप सीधा भी लिख सकते हैं इनका टोटल टोटल वैल्यू भी आप लिख सकते हैं या फिर ए बी सी एक्स वाई टर्म इन इनमें कुछ हो तो आप उस फॉर्मेशन से भी इनको निकाल सकते हैं नाउ इन केस अगर आपने प्लेन को ड्रॉ करना हो तो प्लेन को सिंपल से वे में अगर हम कहें जो हम पीछे डिस्कस कर, किया था हमने वन जीरो जीरो का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको रिमेंबर रखना है हमने क्या किया था इंटरसेप्ट को उल्टा किया था इंटरसेप्ट को उल्टा करने के बाद हमने वैल्यूज निकाली थी अब यहां पर क्या है यहां पर अगर जीरो जीरो वैल्यू के की और एल की है कब हो सकती है जब आपके पास वन बाई इन्फिनिटी हो तो ये वैल्यू कितनी बनेगी ये वैल्यू आपको जीरो मिलेगी ठीक है अब ये वैल्यू आपको जीरो मिलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ ये भी एक इंटरसेप्ट क्या है आपके पास इनफाइनाइट है इनफाइनाइट को हम ड्रो नहीं करेंगे हम ड्रो नहीं करेंगे तो इसका मतलब अपनी जो प्लेन होगी वो क्या होगी उस पर्टिकुलर एक्सिस के पैरल होगी मतलब अगर के जीरो है तो मतलब वो वाई एक्सिस के पैरल है एल जीरो मतलब जेड एक्सिस के भी वो प्लेन पैरल है वैल्यूज किस पे है वैल्यूज ओनली एक्स एक्सिस पर उसकी वैल्यू है दैट वैल्यू इज से ए नाउ अब देखिए दिस इज द एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस इसको वैसे ड्रॉ करने का मैं मेरा अपना पर्सनल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ नहीं भी समझ में आए आपने कहाँ से ड्रॉ करनी है इसकी जहाँ जहाँ पॉइंट आपको मिले पॉइंट मिलने का मतलब जहाँ जहाँ भी कॉर्नर मिले उस उस कॉर्नर से आपने वन एक्स को वन चूज करके चलना है एक्स को वन चूज करके चलेंगे तो इसका मतलब यहाँ ओरिजन है हे रिज वन यहाँ ओरिजन ले हेरिज वन यहाँ ओरिजन ले हेरिज वन यहाँ ओरिजन ले हेरिज वन ठीक है यहां से ओरिजन सपोज करो कि आपने यहाँ लिया तो इस डायरेक्शन में यहाँ लेंगे तो वाई वन हो जाए मतलब ये नहीं मिल काम चलेगा यहाँ अगर ओरिजन लेंगे तो एक्स वन है वाई नेगेटिव हो जाएगा जेड भी नेगेटिव हो जाएगा इसलिए आपने ये चीज स्पेशली ध्यान रखनी है ओरिजन में एक्स आपने पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव यहाँ पर यहाँ बनेगा यहाँ से यहाँ बनेगा यहाँ से यहाँ बनेगा यहाँ से यहाँ यहाँ बनेगा इस पार्ट को आपने ऐड कर देना तो ये आपके पास पहले निकल के आ जाएगी ठीक है स्टूडेंट आज के लिए इतना ही करेंगे कल इसके और फर्दर हम एग्जाम्पल करेंगे थैंक यू